गुड मॉर्निंग 11th क्लास, कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा न्यू चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, इसकी शुरुआत हम एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करते हैं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, उन्हीं की कोटेशन है, आई एम नाइदर क्लेवर नॉर स्पेशली गिफ्टेड, आई एम ओनली वेरी वेरी क्यूरियस। ठीक है, कह रहे कि मैं बहुत चालाक भी नहीं हूँ और मैं गॉड गिफ्टेड भी नहीं हूँ, बस मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु। ठीक है, तो बच्चों जिज्ञासा अपने अंदर हमेशा बनाए रखनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने के लिए क्या होती है, जिज्ञासा आवश्यक होती है। तो जैसे जैसे हमारी चीज़ों के प्रति जिज्ञासा बढ़ती जाती है, वैसे ही हम क्या रहते हैं, धीरे धीरे सीखते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने चैप्टर की। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है, जैसे मैंने कहा अभी सेकंड चैप्टर है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर का नेम है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या है, तो लिविंग बर्ड में हमने क्या पढ़े थे, 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों के बारे में हमने क्या करा था कि इतने जीव हमारी पृथ्वी पर हैं। ठीक है, अब इतने सारे जीवों को हम कैसे कैटेगराइज करें। ठीक है, जब हम इनको कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो ही तो ये पढ़ने में क्या होंगे, आसान होंगे। ठीक है, तो सभ्यता के आरंभ से ही क्या है, सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अनेक प्रयास किए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रयास किया था वो कौन थे, हमारे अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या किया था, सबसे पहले प्रयास किया था, अरस्तु कौन थे बताइए, पहले दिन ही बताया था आपको, ये क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। तो इन्होंने क्या करा था कि जो चल नहीं सकते थे उनको प्लांट कह दिया, है ना, जो प्लांट थे उनको क्या कह दिया इन्होंने, वो चल फिर नहीं सकते इसलिए उनको क्या कर दिया, देखिए देखिए लिखा है, स्टे इन प्लेस फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं चल नहीं सकते उनको प्लांट कह दिया, और दूसरे को क्या कह दिया, जो चल फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उनको हमने क्या कह दिया, एनिमल कह दिया। ठीक है ना, फिर इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट को क्या कर दिया, झाड़ियों में, वृक्ष में और साग में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है ना, और प्राणियों को क्या करा, लाल रक्त के आधार की उपस्थिति पर और अनुपस्थिति में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अरस्तु ने क्या किया कि पहले तो क्या कहा कि उन्होंने जो स्थिर रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, आपके प्लांट हो गए, है ना, और प्लांटों को भी फर्दर डिवाइड कर दिया वृक्ष, झाड़ी और साग में, और जो ह्यूमंस थे या जो जीव थे जो चल फिर सकते थे, खाना खाते थे, उनको किस पे कर दिया कि उनमें लाल रक्त अनुपस्थित है या उपस्थित है, उसके आधार पर क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था, कुछ सालों, लगभग 1000 साल तक तो यही वर्गीकरण चलता रहा। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि ये वर्गीकरण को क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट किया, किसने, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या करा, 1758 में इसमें क्या कर दिया, इसको द्विनाम पद्धति के नाम से क्या कर दिया है, दे दिया है। द्विनाम पद्धति अभी हमने रिसेंटली पढ़ी थी, तो उसमें क्या था आपका, एक तो क्या था वंश और दूसरा क्या था जाति। ठीक है, तो वंश और जाति के आधार पर हम किसी भी जीव का क्या रखते हैं, नाम रखते हैं, जैसे राना टिकरीना, होमो सेपियंस। तो कैरोलस लिनियस ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको क्या कर दिया, प्लांट किंगडम, प्लांट और क्या कर दिया, एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने क्या करा, थोड़े थोड़े अपने मत दिए, लेकिन वो इसको क्या करे, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद है अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने करा कि इस जो क्लासिफिकेशन था, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारा दिमाग विकसित होता है ना, ब्रेन विकसित होता है, तो वैसे वैसे हम चीज़ों को समझने लगते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी खोज होना शुरू हो गई थी। तो अर्नेस्ट हैकल ने एक थर्ड किंगडम दिया, उसको बोला प्रोटिस्टा। ठीक है, किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने एक और जो किंगडम दिया वो क्या दिया आपका, प्रोटिस्टा, और उसमें सारे ही क्या आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो फोर किंगडम दिया था वो भी किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था।
ठीक है। जो फोर्थ जो किंगडम दिया था वो क्या था, कोपलैंड ने दिया था। इन्होंने भी क्या करा कि मूविंग प्रोकैरियोट्स के ग्रुप को इन्होंने क्या करा, अलग से मोनेरा करके दे दिया, ठीक है। ठीक क्या लिखा, देखिए किंगडम क्लासिफिकेशन मूविंग द टू प्रोकैरियोट्स ग्रुप बैक्टीरियल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इनटू अ सेपरेट किंगडम मोनेरा। तो कह रहा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और बैक्टीरिया है उनको एक सेपरेट ग्रुप मोनेरा में रखना चाहिए, ठीक है। तो चार ग्रुप हमारे पास ऐसे ही आ गए। तो इनकी एक बुक भी है, ठीक है, कोपलैंड की, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। दो तो हमको पहले से ही पता थे क्या, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद क्या दे दिया उन्होंने, प्रोटिस्टा दे दिया, और कोपलैंड ने क्या दे दिया आपका, मोनेरा दे दिया, ठीक है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं हमारे कौन, आपने पढ़ रखा है नाइन्थ में, ठीक है, आर एच विटेकर, ठीक है। आर एच विटेकर ने एट द लास्ट क्या दिया, फंजय समूह को दिया, यानी कि फंजय किंगडम के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने क्या करा सारे ही वर्गों को एक साथ लाकर इनको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, आर एच विटेकर ने 1969 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कब दिया था, 1969 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि जो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहले इन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है, दो भागों में बांटा, ठीक है। एक क्या थे, प्रोकैरियोट, दूसरे क्या थे, यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में क्या आ गई, मोनेरा आ गई, ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या आ गई, मोनेरा। प्रोकैरियोट जानते हो आप, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिकांग बिखरे रहते हैं और बहुत कम संख्या में होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरे में इन्होंने क्या डाला, यूकैरियोट्स, यानी कि जो डेवलप्ड होते हैं एनिमल उनको क्या कहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल हो, वो क्या हो गए, थोड़ा प्रोकैरियोट्स से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इन्होंने भी इसको क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया। पहले इन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोट में मोनेरा को रख दिया, ठीक है। फिर यूकैरियोट में क्या करा, एक में तो यूनिसेलुलर, यानी कि जो क्या होते थे, सिंगल एक कोशिकीय होते थे, उनको किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर थे उनके भी फर्दर डिवीजन कर दिया, ठीक है। एक के पास क्या है, अगर वो सेल वॉल, ठीक है, अगर सेल वॉल विथ सेल वॉल, ठीक है, और विदाउट सेल वॉल, ठीक है, यानी कि जो क्या है, कोशिका भित्ति है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर क्या कर दिया, बांट दिया। जिसमें नहीं होगी सेल वॉल तो वो क्या हो गया, एनिमल हो गया, और जिसमें पाई जाएगी वो क्या हो गया, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसमें सेल वॉल पाई जा रही है और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो क्या होंगे आपके, प्लांट ही होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे होंगे। और दूसरा क्या है, जो हिटरोट्रॉफ होंगे, यानी कि जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं पाई जा रही है, ठीक है, यानी कि उसमें हरित लवक नहीं पाए जाएंगे, तो वो क्या होगा, फंजाई होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एच विटेकर ने सारे ही जो वैज्ञानिक थे उनके संघों को आपस में मिला दिया, और एक अपने द्वारा दिया गया संघ इनका क्या है, फंजाई है। तो उन्होंने क्या करा, इसको इस तरीके से बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, पहले तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रारंभिक कोशिका वाले, वो सब किस में आ जाएंगे आपके, मोनेरा में आ जाएंगे, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डेवलप होते हैं ना, बहुकोशिकीय, ठीक है, तो उसमें भी दो हैं, एक तो है यूनिसेलुलर, जैसे आपका अमीबा है, पैरामिशियम है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे आपके, प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। मल्टीसेलुलर मतलब क्या हुआ कि वो बहुकोशिकीय हैं, ठीक है, उसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो क्या है विथ सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति है जिनमें, वो एक क्या हो जाएंगे आपके, प्लांट ही हो जाएंगे, जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, हेटरोट्रॉफ, जिनके पास हरित लवक नहीं है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, या मृतोपजीवी होते हैं, वो क्या हो गया आपके, फंगस हो गए, ठीक है। जैसे आप मशरूम खाते हैं ना मार्केट से, या बरसात के सीज़न में लकड़ियों पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या हो जाते हैं, छातेनुमा स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं, वो क्या है, सारे फंजाई। फिर है विदाउट सेल वॉल, यानी कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, वो क्या हो जाएंगे, एनिमल हो जाएंगे, एनिमिलिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पाँच जगत वर्गीकरण जो था किसने दिया आपका, आर एच विजयकर ने दिया, ठीक है। कब दिया, 1969 में दिया। देखिए इसमें क्या क्या करेक्टर है हम देखेंगे, ठीक है। पहला जो है इनका, इन्होंने क्या करा, सारे ही जो संघ है उनको एक साथ लेकर
समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पांच जगत वर्गीकरण में हम देखते हैं पहला क्या है, सारे ही संघ लिखे हैं, देखिए मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। ठीक है, तो आप क्या हो गया कि अगर पांच जगत वर्गीकरण पूछते हैं तो वो कितने भागों में बांटा गया है, पांच जगत वर्गीकरण को पांच भागों में, इसलिए पांच जगत वर्गीकरण है। पहला क्या है उसमें मोनिरा, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है आपका फंजाई, चौथा प्लांटी, उसके बाद एनिमेलिया। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोशिका का प्रकार, ठीक है, कोशिका का प्रकार कैसा होगा, देखिए पहले वाले में जो होगा वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो मोनिरा होगा वो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, जबकि जो प्रोटिस्टा है वो कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, और जो फंजाई है वो भी यूकैरियोटिक होगी, प्लांटी भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक, यानी कि केवल मोनिरा ही क्या है प्रोकैरियोटिक है, आदि कोशिका है, बाकी सारे ही क्या है यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति का। ठीक है, तो मोनिरा में क्या होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है। ठीक है, और क्या होती है, अमीनो अम्ल या बहुसैकेराइड की बनी होती है, जबकि जो प्रोटिस्टा है उसमें क्या होती है, कुछों में उपस्थित होती है और कुछों में नहीं होती है। ठीक है, फिर फंजाई में क्या है कि इसमें क्या होगी, सेलुलोज रहित होगी लेकिन उपस्थित होगी। ठीक है, सेल वॉल तो होगी लेकिन वो क्या होती है, सेलुलोज की बनी नहीं होती, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, प्लांट में भी क्या होगा, सेलुलोज की ही क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जबकि जो एनिमिलिया किंगडम है उसमें नहीं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, फिर आपका केंद्रक झिल्ली, तो मोनेरा में क्या है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, और प्रोटिस्टा में पाई जाती है, ठीक, और फंजाई में भी पाई जाती है, प्लांटी में पाई जाती है, एनिमिलिया में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है आपका कायिक संरचना। ठीक है, तो मोनेरा क्या है, कोशिकीय है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी कोशिकीय है प्रोटिस्टा, और जो फंजाई है वो कैसी है, बहुकोशिकीय है, यानी कि एक से ज़्यादा कोशिका उसमें पाई जाएंगी, और जो प्लांटी होगा वो कैसा होगा, ऊतक स्तर का भी हो सकता है और उसमें ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, और एनिमिलिया में तो पूरा ही क्या होता है, अंग तंत्र विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पोषण विधि के आधार पर। ठीक है, मोनेरा क्या होते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, और रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत वैरायटी का होता है, इसीलिए क्या है पृथ्वी पर इतने सालों लाखों करोड़ों वर्ष से क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या है, स्वपोषी है और प्रकाश संश्लेषी है, स्वपोषी का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाएंगे, है ना, और कुछ क्या होते हैं, प्रपोषी भी होते हैं। फंजाई क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं, यानी कि डेड डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड क्या करते हैं, लेते हैं। और प्लांटी क्या है, हरित लवक है, तो ये भी क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, लेकिन जो एनिमिलिया है वो क्या होते हैं, संभोजी होते हैं। ठीक है, पर मतलब प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्रजनन की विधि मोनेरा में क्या होती है, संयुग्मन की होती है, और प्रोटिस्टा में भी क्या है, युग्मक संलयन की भी हो सकती है, संयुग्मन की हो सकती है। फंजाई में भी निषेचन होता है, प्लांटी में भी निषेचन होता है, और एनिमिलिया में भी निषेचन होता है। ठीक है बच्चों, तो आ क्या देखा आपने कि जो हमारा चैप्टर 2 है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या था कि बहुत सारे एनिमल हमारे आसपास थे। ठीक है, तो हम उनको बारे में जानने के लिए क्या है कि उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्गों में क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ताकि हमको क्या हो, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो अरस्तु ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, कि इनको वर्गीकृत किया था जंतु जगत और पादप जगत में, फिर इसी को लीनियस ने क्या करा, आगे बढ़ाया, ठीक है, प्लांटी और एनिमिलिया का, और उन्होंने उसमें वंश और जाति एक चीज़ और दे दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ में क्या थे, प्रकाश संश्लेषी थे, कुछ क्या थे, विषम पोषी थे, तो उसके आधार पर हुआ, लेकिन ये क्या तरीका थोड़ा सा क्या हो गया था, भ्रामक हो गया था। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, ठीक, और प्लांट भी है, उनको सबको क्या कर दिया था, एक साथ रख दिया था, जो कि क्या था, गलत था। ठीक है, ऐसे क्या था, जो एनिमिलिया है, ठीक है, उनके साथ भी क्या रख दिए थे, अलग अलग जीवों को रख दिया था, जो भी क्या, वो भी क्या था, थोड़ा भ्रामक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कब,
1969 में क्या हुआ, आर एच विटेकर ने क्या करा, इन सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया और पांच जगत क्या दी, प्रणाली दी। तो पांच जगत प्रणाली में क्या है, पहला संघ क्या है हमारा मोनेरा, फिर क्या है प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फिर फंजाई और फिर एनिमल। ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।